नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है बहू के पिता की वसीयत, मेरी लिखी हुई। और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संजय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। धरा आज 25 दिनों के बाद ससुराल वापस आई थी। जिस दिन उसके पिता का देहांत हुआ था उस दिन से लेकर आज तक वो मायके में ही थी। धरा की माँ तो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। माँ को इस हालत में छोड़कर धरा ससुराल नहीं आना चाह रही थी, लेकिन वह भी मायके में कब तक रहती। वैसे भी माँ को संभालने के लिए भाई और भाभी भी थे ही, इसलिए वह मन को कड़ा करके ससुराल वापस चली आई। ससुराल आने के बाद भी धरा गुमसुम सी ही थी। आखिर पिता का हमेशा के लिए दूर चले जाना उसके जीवन की एक बहुत बड़ी हानि थी। जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जीवन की पथरीली राहों पर गिर के फिर संभलना सिखाया, उस पिता को वह हमेशा के लिए खो चुकी थी, जिसका दर्द वह सह नहीं पा रही थी। अभी भी रह रहकर पिता की यादें उसकी आंखों में अश्रु ले आती थी। जब वह छोटी थी और उसके पिताजी बाजार से आते तो कैसे वह भागकर अपने पिताजी के पास जाती थी और उनके थैले में देखती थी कि वह उसके लिए क्या लाए। उसके पिता भी उसके साथ खूब मस्ती किया करते थे, वो उसके लिए कुछ भी लाते थे तो उसे थैले में रखते ही नहीं थे, बल्कि साइकिल के पीछे के कैरियर में अपने टिफिन वाले थैले में रख कर लाते थे। कभी जब वह सीधा टिफिन वाला थैला चेक करती तब पिताजी पहले से ही सब्जी वाले थैले में उसकी मनपसंद वस्तु छुपा कर रख देते थे। ऐसे ही पिता पुत्री में खूब हंसी मजाक चलता रहता था। जब सभी लोग मेला देखने जाते थे तो मेले की भीड़ से बचाने के लिए कैसे पिता उसे अपने कंधे पर बिठा लेते थे और वो भी पिता के कंधे पर आश्वस्त होकर बैठ जाती और मेले की भीड़ और चकाचौंध भरे नजारों का आनंद उठाती रहती। वैसा सुकून एक पिता के अलावा और कौन दे सकता है। पिता की याद आते ही एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े कि तभी बाहर से बुआ जी की आवाज आई। बुआ जी का घर एक ही मोहल्ले में था, वह जब तब उसके यहाँ चली आया करती थी। बुआ जी ने धरा को आवाज लगाते हुए कहा, अरे बहू आ गई तू, तेरे हाथों की एक कप चाय तो पिला, बड़े दिनों से तेरे हाथों की चाय नहीं पी है। धरा ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप बुआ जी के लिए चाय बनाने लगी। तब तक बुआ जी और धरा की सासू माँ शकुंतला जी बैठकर बातें करने लगी। धरा चाय की ट्रे लेकर रसोई से बाहर आई और बुआ जी के पैर छूकर उन्हें चाय देने लगी। बुआ जी ने चाय का प्याला उठाकर अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ा अफसोस हुआ बिटिया तुम्हारे पिताजी के बारे में सुनकर, लेकिन यही तो जिंदगी की सच्चाई है, जो आता है वो तो जाता भी है, हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। धरा का जख्म एक बार फिर से हरा हो गया, वो चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली आई। धरा अपने कमरे में आकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। काफी देर के बाद जब उसकी नजर घड़ी पर गई तो उसने देखा कि शाम के 6 बजने वाले थे। तब उसे होश आया, वह सोचने लगी, अरे मैं कितनी देर से कमरे में हूँ, अब तो डिनर की तैयारी भी करनी पड़ेगी, जाती हूँ सासू माँ से पूछ लेती हूँ कि डिनर में क्या बनाना है। जैसे ही वह सासू माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची तो उसके कानों में आवाज आई। उसकी सासू माँ और बुआ जी आपस में बातें कर रही थी। बुआ जी कह रही थी, तुम्हारी बहू तो बहुत दिनों तक मायके में रह गई, सरकारी नौकरी थी ना बहू के पिता की, खूब कमाई की होगी उन्होंने। अरे वसीयत में क्या लिखवाया है उन्होंने, बहू को क्या मिला है, उसे भी तो संपत्ति में हक मिलना चाहिए, उन्होंने वसीयत बनवाई होगी ना, नहीं तो बाद में भाई ही सब हड़प करके बैठ जाएगा, बहू को कुछ नहीं मिलेगा। बुआ जी की बातें सुनकर धरा हैरान हो गई। यहाँ वो अपने पिता को खो देने के गम में डूबी हुई है और लोग वसीयत और संपत्ति की बातें करने लगे। फिर वह सोचने लगी, क्या देंगे मेरे पिताजी मेरे लिए, कैसी वसीयत, किस बात की वसीयत, पिताजी तो एक स्कूल के टीचर थे, उन्होंने जो भी कमाया हमारी परवरिश और शिक्षा में लगा दिया, ले देकर किसी तरह उन्होंने एक घर बनवाया है जिसमें भाई भाभी और माँ रह रहे हैं, भाई को भी पढ़ा लिखा कर उन्होंने इस काबिल बनाया है कि वह खुद कमा और खा सकता है। अभी वह मन ही मन सोच रही थी कि तभी उसकी सास शकुंतला जी का भारी स्वर सुनाई दिया। उन्होंने सपाट स्वर में कहा,
बहू के पिता की वसीयत तो उनके दिए हुए संस्कार है। यह वह संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होगी और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। उन्होंने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। उनकी बेटी हमारे घर की बहू बनकर बिल्कुल एक बेटी की तरह अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, बड़ों का लिहाज करती है, हमारा कितना ध्यान रखती है, हमारे परिवार को एक साथ लेकर चलती है। ये सारे संस्कार उसे उसके माता पिता ने ही तो दिए हैं। उसी प्रकार बहू का भाई भी कितने अच्छे संस्कार और गुणों वाला लड़का है। वह भी बड़ों की इज्जत करता है, उनका मान सम्मान करता है, उनका ध्यान रखता है और अपने परिवार को कितने अच्छे से उसने संभाल कर रखा है। और यह सब तो है ही, इसके साथ ही बहू के पिता ने अपनी खुद की बहू को भी बेटी की तरह प्यार दिया। तभी तो आज उनके जाने के बाद भी वह एक बेटी की तरह अपनी सास का ध्यान रख रही है। किसी और की बेटी को अपनी बेटी बना लेना भी बहुत बड़ा गुण होता है। जरा सोचिए, उन्होंने अपनी बहू को कितने प्यार से रखा होगा जो उनकी बहू बिल्कुल एक बेटी बन गई। बहू के पिता ने जीवन भर जिस तरह से अपने परिवार को एक साथ समेट कर रखा, नए रिश्तों के साथ तालमेल बनाया, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, बस यही उनके जीवन की सबसे बड़ी वसीयत थी। इसके अलावा रुपए पैसों का लालच ना तो हमें है और ना हमारी बहू को है। हमारे पास इतना सामर्थ्य तो है ही कि हम अपना कमा खा सके। इसके लिए हमें किसी और की संपत्ति या पैसों का मुंह देखने की कोई जरूरत नहीं है। शकुंतला जी लगातार बोले जा रही थी और बुआ जी मौन होकर सब सुन रही थी। इधर सास की बातें सुनकर धरा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। शकुंतला जी ने आगे कहा, संपत्ति और वसीयत से बढ़कर इंसान की कीमत होती है। बहू ने अपने पिता को खोया है और हमें उसके दर्द को कम करने के लिए उसे बहुत प्यार देना होगा। उसके जीवन में पिता की कमी को और कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने प्यार से उसकी तकलीफ थोड़ी कम जरूर कर सकते हैं। शकुंतला जी की बातें सुनकर बुआ जी आगे कुछ बोल नहीं पाए। धरा ने अपने आंसू पोंछे और सास के कमरे की ओर बढ़ गई। उसके मन में एक सुकून था कि अभी भी उसके जीवन में बड़ों का आशीर्वाद और प्यार बना हुआ है। दोस्तों, यदि कोई अपना हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो इंसान बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे दुखद समय में भी सिर्फ जमीन जायदाद वसीयत वगैरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन हर कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं होता कि वो किसी के जाते ही वसीयत के पीछे पड़ जाए। कुछ लोगों के लिए धन दौलत से बढ़कर भावनाओं और इंसानों की कीमत होती है। ऐसे में दुखी इंसान को भावनात्मक रूप से सहारा देना चाहिए ताकि उनका दर्द थोड़ा कम हो सके, न कि प्रॉपर्टी वगैरह की बातें कहकर उनका दिल और दुखाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।